शॉर्टली वी विल अराइव इन हरिहर क्षेत्र। जय हो ओशला महाराज की जय। जय हो जय हो। We are near Harihar Chetra. Yeah, near Kirtan Party. Thank you.
आपको मैं रमन करने वाला अब आपका काम परिपूर्ण में रहता है किंतु भगवान में आत्मा राम होता आपका काम होता है किंतु भगवान एक ही साथ में तीन रूप में प्रकाशित होते हैं ब्रह्म परमात्मा भगवान ये तीन रूप में होता है गुरु में ये नहीं होता है किंतु तथापि जैसे भगवान में एक भगवान में कहता है क्या ये कथरा जी बोला है जो बोला गया कहा गया वो ब्रह्म स्वरूप है वो ब्रह्म क्या है ना भगवान के अंग कंत के चित्त स्वरूप से कहा गया चित्त ज्योति व छटा उसके ब्रह्म कहा गया किंतु गुरु में ये सब प्रयोग नहीं होता है आप तो कामता सब कुछ रहते पर भी आत्मा नाम आप तो कामता रहा किंतु ये आप तो काम शब्द की व्याख्या जो है कहते हैं आत्मा इसे भगवान की आत्मा क्या है श्रीमती राधिका जो के द्वारा प्रमाणित है ये समस्त रहस्य का कोई विचार ये सब तो विचार में नहीं आए ये रहस्य यदि आत्मा और भगवान ने यदि हम भेद देखे तो अपराध हो जाता है देह देही भेदा नस्त तो कहाँ गए सब भगवान में देह देही भेदा नस्त देह देही में भेद नहीं होता है जीव में देह देही का भेद होता है आत्मा और शरीर ये दोनों जो है भेद रहता है तो भगवान में ये भेद नहीं है अबार जो तीन जो स्वरूप का कहा गया नाम स्वरूप नाम 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 विग्रह स्वरूप ये तीनों कहूँ नहीं भेद देखो भूमासुर का गुफा है भगवान में ये तीन में भेद नहीं होता है भक्त में गुरु में जो है भेद नहीं कहते उसे कुछ वैशिष्ट्य हम वैशिष्ट्य का पैसे ले दीजिए कहते हैं तीनों में विशेष करके ये भी वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं इसलिए जिस प्रकार कहा गया बदंती तत्व विदास तत्व जज गणवद्यम ब्रह्मेति परमात्मा भगवानिति शब्दति ब्रह्म क्या है भगवान के ज्योति स्वरूप है वो ज्योति क्या है उनकी अंग कांति जस प्रभा प्रभोतु जगदंड कुटी वशिष्ठ वसुधा भूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कर्ण अनंतम है गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजा ब्रह्मणोपदिष्ठा अहम ये समझ ब्रह्म मेरा आश्रय स्वरूप है ब्रह्म पुच्छ भी कहा गया भगवान के पुच्छ शब्द के अर्थ पुच्छ शब्द के दो अर्थ पुच्छ शब्द के पुच्छ माने ले माने क्या बोलते हैं टेल तो भगवान के टेल चोरी होता है उच्च शब्द के अर्थ होता है आश्रय समस्त जीवों के जो है आश्रय प्रदान करते हैं ये समस्त व्याख्या गुरु में उसी प्रकार है उसी गुरु में जो है समस्त भक्त को आश्रय देता है जैसे भगवान में एक होता है सबको आश्रय देता है भक्त हो अभक्त हो भक्त हो और अभक्त हो भगवान सबके आश्रय देते हैं किंतु भगवान में एक गुण होता है वात्सल्यता आ जाता है हाँ भगवान में क्या होता है वात्सल्यता गीता में भगवान भी कहते हैं समहं सर्वभूतेषु न मे दश न मे प्रियः किंतु मैं सबके जीवों के प्रति मैं समान भाव रखता हूँ कोई मेरा देश शत्रु नहीं है कोई मेरा मित्र नहीं है थोड़ा आचमन इधर आकर आचमन कर दीजिए ये क्या चीज़ है बताओ तो आप बोले मनुष्य अपरागित देवता सब अलग आनंद की जय हाँ पंचबेनी है पंचबेड़ी अलका नंदा पंचबेनी चलो साइड में हो अलकानंद Thank you.
दिस इज अलकानंदा पाकड़ी कैसे पाखंड पगड़ी कट गई पंच ऑफ एनिमीज फाइव लगा है फाइव रिवर्स मीटिंग टुगेदर फाइव रिवर्स मीटिंग हियर अलकानंदा बबुना कावेरी Shruti Narmada. So, ah, yeah, this song that we sing in the Ganga Chajamani Chalbabhudar. The Ganga Chajamani Chalbabhudar Bhanda Saraswati Namadesi. Hindu Kamari. And sing not in Ganga. गुरुदेव आप बता रहे थे बता रहे थे ना आत्म अमर भाग भगवान भक्त वसल का भगवान समोहं सभूतेषु नोमे देश नोमे प्रिय गीता में भगवान कहते हैं मेरा कोई दोष देशी भी नहीं है देशी में देशी मतलब दुश्मन नहीं है कोई वो लोग दुश्मन मानते हैं भगवान के पास बोले हाथी के पास चिट्टियाँ क्या होता है वो देने से चिट्टियाँ उड़ी पूरा भग जाएगा हाथी के सूर से जो है चले तथापि लोग उसके देश मानते भगवान कहते हैं ये मेरा कोई देश है मेरा सब जैसे कौन लेवल में नहीं है प्रेम करता स्नेह करता है उनके प्रति मैं ये मेरा दोष नहीं है ये मेरा संभाव है पात्रता के गुण भगवान में ये गुण है असल गुण में क्या होता है स्नेह रहता है स्नेह प्रति स्नेह रहता है स्नेह होता है चित्त द्रवकता का ब्रह्म परमात्मा जो है ये स्नेह नहीं रहता यहाँ की इस परिभाषा क्या है इधर डेफिनेशन ऑफ स्नेह चित्त द्रावकता इति स्नेह चित्त के द्रवीभूत हो जाना मेल्ट है भक्त जी प्रेम माधुर्य आदि के द्वारा भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं जैसे जैसे भक्त होते हैं ठाकुर जी दुविधा चल रहा है इसलिए कहा जाता है ब्रह्म गुरु में जो ब्रह्म आदित्य जी भी कहा जाए गुरु में ब्रह्म व्यापकता कहा जाए व्यापकता इति ब्रह्म सर्व व्यापक है सर्व व्यापकता सर्वज्ञता का मांझी गर्म हो गया
हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव के अनुगत में हम लोग जिस स्थान पर आए हुए हैं, यह हरिहर क्षेत्र, यह हरिहर क्षेत्र शिव जी एवं विष्णु दोनों एक ही विग्रह में है। पूरा दुनिया में ऐसे कोई विग्रह नहीं है। इधर के हरिहर सबसे पहले जी कृष्ण प्रभु हिंदी में वर्णन करेंगे। पूरी दुनिया में तो हरिहर क्षेत्र यही है। पूरी दुनिया में नहीं है कैसे? दुनिया में नहीं, ये दुनिया से बाहर है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय श्री रूपाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणेति नाम्ने श्री कृष्ण लीलानुकथने सुदक्षमौदार्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तं परमपरिन्नं पुरुषं महान्तं नारायण त्वां सिरतानमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुत देवी प्रणमामि। हरि प्रिये आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावती सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरपिसे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदावनावनिपते जय सोम सोम मौले कनक सनंदन सनातन नारदिक्य गोपीश्वर ब्रजविलासिजुगांग्रिपत्ने प्रेम प्रयत्य निरुपाधि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करो लाखों जन्मों की पुंज पुंज सुकृति के फल स्वरूप हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में गौरमंडल धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले गोद्रुम द्वीप गए। गोद्रुम द्वीप में भी हम लोग सबसे पहले कहाँ गए? स्वानंद सुखद कुंज में गए, सुरभि कुंज में गए। भक्ति विनोद ठाकुर जाना तो वृंदावन चाहते थे, लेकिन रस्ते में तारकेश्वर जहाँ पर शिवजी विद्यमान है वहां पर उनको उन्होंने स्वप्न दिया कि कहाँ जा रहे हो, आपको तो बहुत कुछ करना है, गौर मंडल का उद्धार करना है। भक्ति विनोद ठाकुर वापस आ गए और ये बात है लगभग सन 1900 यानी 1900 की, और वो सोचते हैं कि शिवजी ने कहा तो है, आदेश तो दिया है, लेकिन कैसे वो फलीभूत होगा, कैसे वो जमीन पे उतरेगा। तो सुरभि कुंज में भक्ति विनोद ठाकुर अभी रह रहे हैं। स्वानंद सुखद कुंज उन्होंने बनाया सन 1914 में, जहां पर भवन आपने देखा आज। तो 1900 से लेकर 1914 तक भक्ति विनोद ठाकुर गमनागमन कर रहे हैं, बार बार गौर मंडल में आ रहे हैं और सुरभि कुंज पर निवास करते हुए उनकी दृष्टि कहां जाती है? गंगा के दूसरी ओर जाती है और वहां पर वो प्रकाश देखते हैं और उनको संकेत मिल जाता है कि यही योग पीठ है, यही महायोग पीठ है, यहीं पर महाप्रभु का आविर्भाव हुआ होना चाहिए। फिर सुरभि कुंज से हम लोग आए स्वानंद सुखद कुंज, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर ने सन 1914 में निर्माण किया और 1900 बहुत समय वहां पर नहीं रहे। गौर किशोरदास बाबा जी भी वहीं पर आते थे,
उसके बाद हम लोग कहां पर गए, ये आम घाटा है सारा क्षेत्र। आम घाटा क्यों है, यहाँ पर आम लगाने की घटना घटित हुई। कैसे हुई, महाप्रभु ने एक बार अपने परिकरों के साथ कीर्तन करते हुए आए और इच्छा की आम खाने की। बीज लिया, जमीन में बोया, देखते ही देखते पत्ते निकले, देखते ही देखते कलियां बन गई, देखते ही देखते पल्लव बन गए, देखते ही देखते फल बन गए और सब परिकरों ने एक एक आम खाया और ये उत्सव पूरे एक वर्ष तक चला। प्रतिदिन उस वृक्ष से जो कि कल्प वृक्ष से भी ऊंचा था, महाप्रभु की साक्षात अभिलाषा थी वो पेड़, और उस आम्र फल को प्रतिदिन वैष्णवों ने महाप्रभु के परिकरों ने आस्वादन किया और आम उत्सव प्रतिदिन होते होते एक साल तक चला। तो ये सारा क्षेत्र क्या है, आम्र घाटा। यहीं पर भोले बाबा जो बहुत भोले हैं, आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अपने भक्तों के द्वारा कई बार वो विपदा में डाल दिए जाते हैं। कैसे डाल दिए जाते हैं, काशीराज इनके भक्त हैं शिव जी के, और उसने क्या किया, काशीराज के पुत्र ने सुदक्षिण ने उसने शिव जी से वरदान प्राप्त करके और आग में हाथ डाल दिया। कहां आक्रमण कर दिया, द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया। भगवान को सूचना हुई कि बहुत सारी बड़ी सेना पहुंच गई है द्वारका को जीतने के लिए। भगवान उस समय पासा खेल रहे थे, भगवान होकर भी पासा खेलते हैं, भगवान होकर भी रास रचाते हैं, ऐसे कौतुकी हैं कृष्ण कि हम लोग भी देखे हैं। बिना कौतुक के जीवन में क्या है, बच्चा समय उठता है मम्मी से कहता है मम्मी आज क्या बनाओगी, वहीं से कौतुक शुरू हो गया, मम्मी आज कहाँ पर जाना है, कहाँ घूमने जाना है, ये कौतुक सब समय चलते रहते हैं, क्योंकि उनके मूर्तिमान रूप कौतुक के कौन है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं नारद है, विभिन्न कौतुक। तो उसने क्या किया, मूर्ख सुदक्षिण ने द्वारकापुरी पे आक्रमण कर दिया और भगवान अपनी रानियों के साथ पासा खेल रहे हैं और कहते हैं उनसे सुदर्शन से, जरा देख लेना भैया कोई आया है। सुदर्शन ने क्या किया, पूरी काशी को ही आग लगा दी, और वहां से आग लगाने के बाद कौन पलायन कर गया वहां से, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी पलायन कर गए। बताओ भोलेनाथ की क्या गलती है, लेकिन उन्होंने वरदान दिए थे इसलिए भोलेनाथ जी गए कहां पर, भुवनेश्वर के पास एक आम्र कानन में। एक क्यों लगाया गया आम के साथ, ये आज तक मेरे को मालूम नहीं, किसी को मालूम हो तो बता देना। एक आम्र कानन से जाकर के भोले बाबा को संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर वही आना है जहां पर आम के पेड़ हो, तो ये आम घाटा में आ गए और यहाँ पर आकर भोले बाबा हरिहर क्षेत्र में विद्यमान है। आधे श्याम वर्ण है और आधे गौर वर्ण है। उनका जो श्याम वर्ण है वो उनका कृष्ण के प्रति दास अभिमान दर्शाता है, और उनका जो गौर वर्ण है वो उनकी अपनी अंग कांति है, क्योंकि भोले बाबा का जो वर्ण है वो चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। संसारी लोगों को ये कामना पूर्ति करते रहते हैं बहुत तीव्र गति से। कृष्ण तो कौतुकी हैं और तीन जगह से टेढ़े भी हैं, इसलिए वो कामना पूर्ति करते नहीं हैं, और करते हैं तो पहले छीन लेंगे सब कुछ, फिर आपको भिखारी बना करके फिर आपको सब कुछ देंगे, ये कृष्ण है। किंतु भोले बाबा जल्दी जल्दी दे देते हैं, और पांच रूपों में उनका पृथ्वी पर अर्चन आप कर सकते हैं, हैं? पृथ्वी पंच महाभूत क्या है, पृथ्वी जल पावन गगन समीर है। पृथ्वी के लिंग तो आपने देखे ही होंगे, उसके बाद वायु लिंग भी होता है, जल में भी लिंग बनता है, वहां पे भी बंगाल में कौन सी जगह है जहां पर जल में अंबुलिंग और आकाश का भी लिंग बन जाता है। आकाश ऐसे घेर लेगी कि एक सुंदर लिंग बन जाएगा, वो कौन सा स्थान है, अम्बरनाथ, जिसको हम अमरनाथ के नाम से जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीर, और अग्नि भगवान ज्योतिष लिंग के रूप में तो बहुत जगह विद्यमान है, साक्षात अग्नि है अंदर, इसलिए वो अग्नि। किंतु इनसे क्या इच्छाएं पूरी होंगी हमारी, बहुत एक इच्छाएं पूरी होंगी, हे बाबा
मेरी जो है बढ़िया नौकरी लग जाए, स्त्रियां रोज सुबह सुबह सुंदर श्रृंगार करके और भोले बाबा को जल चढ़ाने जाएंगी कि मेरे को सुंदर पति मिल जाए। हैं भोले बाबा इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई ये मांग बैठे, प्रभु आप किसका ध्यान करते हो, आप किसका ध्यान करते हो, तेरा उसकी कृपा हमें दिलवा दो, तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं और उसके सब विघ्नों को हरण करते हैं। इन भोले बाबा की अनंत अनंत महिमा है। ये ब्रज में जहाँ पर भी कृष्ण है वहाँ पर गोपीश्वर के रूप में, नंदीश्वर के रूप में, कामेश्वर के रूप में और ईशान कोण में और अन्य कोणों में, रास स्थली में, द्वारपाल के रूप में ये सब जगह विद्यमान है। हम इन भोले बाबा की शरण लेते हैं जो सब समय कृष्ण सेवक के अभिमान से युक्त है। यद्यपि वो स्वतंत्र ईश्वर हैं, लेकिन उनका अभिमान क्या है, सेवक अभिमान है। उनके इस सेवक अभिमान से, उनको पूजने से हमें भी सेवा का भाव मिलेगा और हमारा कैसा भाग्य उदय होगा कि जिस प्रकार वन भ्रमण करते हुए रामचंद्र कहाँ पहुंच गए, शबरी के यहाँ पहुंच गए, कृष्ण घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए, विदुर जी के यहाँ पहुंच गए और गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। महत विचरणम राम गृहिणाम दीन चेतसाम भगवान नाम ही अन्यथा भगवान नान्यथा कल्पते क्वचित। कौन कह रहा है ये स्वयं नंद बाबा कह रहे हैं गर्गाचार्य से कि प्रभु जो सदपुरुष हैं वो सोचते हैं कि ये गृहस्थ तो अपराध भावना से युक्त है, चलो हम ही उनके हाथ हैं। उसी प्रकार हम लोग पहले कोरोना से हमने बड़ा कष्ट पाया, वृंदावन से निकल ही नहीं पाए, आप लोग दिल्ली से नहीं निकल पाए, है ना। अब जो ही परिक्रमा का समय आया सब लोग भागे, बसें भी बसें आ रही हैं, तो कष्ट पा करके आए, किसी किसी बहाने आए, लेकिन आए कहाँ पर, नवद्वीप धाम में आए। कितना औदार्यमय धाम है। कल लोग कह रहे थे अरे बाबा कितनी गर्मी है, पैर जल गया, ये हो गया, वो हो गया, और आज सुबह देखो कितना अच्छा मौसम, कितना अच्छा वातावरण, ये धाम है, इतना औदार्यमय धाम है। कार्तिक की परिक्रमा हम करते हैं, मथुरा परिक्रमा से लेके पूरी करते तो 40 दिन घूम जाते हैं, शरीर का हमारा जितना तेल है सारा निकल जाता है। तो यहाँ 5 दिन की परिक्रमा हो गई पूरा गौरमंडल हो गया, कितना औदार्यमय धाम है। ऐसे ही औदार्यमय यहाँ पर महाप्रभु है, ऐसे ही उनके सेवक हरिहर एक आत्मा है और उनसे भी ज्यादा महामदन्याय हमारे वैष्णव गण है जो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते और उनसे भी महा महावदन्याय हमारे गुरु वर्ग है जिन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं और हमसे वो आशा करते हैं कि हम उन आदर्शों पर चलें, सबको स्नेह प्रेम दें और सब समय मैं ना करें, नहीं तो वही स्थिति हो जाएगी जैसे दक्ष की शिव जी ने करती थी। इसलिए बहुत सावधान रहें कि हम साथ में कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे, सब कुछ यही छोड़ जाएंगे, लेकर के क्या जाएंगे, सत चित और आनंद। असत यहीं पे रह जाएगा, अचित यहीं पे रह जाएगा और निरानंद तो हम लोग हैं ही, आनंद पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए साधुओं को भी अपने आचार अपने आदर्शों में प्रतिष्ठित होना है जो गुरु वर्गों ने जिनका संकेत दिया है। यही कहकर मैं अपनी वक्तव्य का समाप्त करता हूँ। गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। आप लोग श्री कृष्णा प्रभु से हिंदी हरी कथा सुना ये